की रफ्तार। तुम घबराने वालों में से हो ही नहीं आभा, अगर तुम उनमें से होती तो तुम प्रजासत्ताक नहीं छोड़ती। तुम घबरा कर डर कर वहीं पर काम करती रहती, अपने उसूलों को लेकर कभी आवाज नहीं उठाती, और इन उसूलों को लेकर तुम आज सरकार छोड़ने की बात कर रही हो। अब जब तक तुम्हारे हाथ में यह दिया जलता रहेगा, अंधेरा कभी नहीं होगा। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम आसान काम करने के लिए हो ही नहीं आभा। मैं जानती हूं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं ठीक कर रही हूं, बल्कि यह मेरा दावा है, और वो इसलिए क्योंकि तुम इसे सही मानते हो। अगर तुम इसे सही नहीं मानते ना, तो शायद मुझे भी ठीक नहीं लगता। अब हाँ, क्या तुमने सहकार छोड़ने का फैसला कर लिया है? हाँ मंथन, मैं उस फैसले के बहुत करीब हूं। लेकिन आभा, प्रजासत्ता को छोड़ना और सहकार को छोड़ना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं मंथन, दोनों की वजह भी एक ही है। नहीं आभा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और दोनों की वजह भी अलग अलग है। तुम्हें अगर याद होगा तो विलास जी तुम्हारे आर्टिकल से ज्यादा एड छापने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, मगर योगेश उसकी तो वजह ही अलग है, वो तो मजबूर है। तुम भी उसकी मजबूरी की दुहाई दे रहे हो। नहीं अभा, मैं सिर्फ इस समय अपने एक मजबूर दोस्त का उसकी मुश्किल की घड़ियों में साथ दे रहा हूं। दोस्ती है और वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन मेरे असूलों के सामने दोस्ती का कोई मोल नहीं। इन असूलों के सामने दोस्ती क्या, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अब हाँ, बहुत हौसला है तुम्हें, सच में बहुत हौसला है। मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। फाइट आभा, फाइट। क्या और कोई रास्ता नहीं योगेश? कोई रास्ता नहीं, तुमने ठीक से सोचा है नितिन। अगर कोई भी उम्मीद की किरण होती तो मैं इतने सारे लोगों का दिल क्यों दुखाता? देखो योगेश, इंसान परेशानियों के चक्कर में आसपास की दुनिया भूल जाता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। रास्ता होता है लेकिन उस वक्त उसे दिखाई नहीं देता। तो फिर शायद मैं ही अंधा हो गया हूं नितिन। डीएम से हाथ मिलाना अपने आप को बेचने के बराबर है, लेकिन मैंने हार मानने से यही मुनासिब समझा। सभी यही कह रहे हैं ना कि तुमने गलत किया? जानता हूं, लेकिन जिसके दिल पर बीतती है वही जानता है। नितिन, बार बार मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी के गुजरे हुए 10 साल बार बार सामने आते हैं। मुझे जिस दिन प्रजासत्ताक में चार्ज मिला था ना, उस दिन मैं समंदर के किनारे बैठकर घंटों अपने आप को खुशी से फूला नहीं समाया था। मैं मुझे लगा कि मेरा भी कोई वजूद है। आज भी तुम्हारा वजूद है योगेश। नहीं नितिन, आज मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं वनवास मिले उन पांडवों की तरह हूं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं था। मुझे मेरा साम्राज्य वापस चाहिए, प्रजासत्ताक वापस चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं नितिन, कुछ भी। कुछ भी? हाँ कुछ भी। हाँ हाँ नितिन, कुछ भी। सपोज योगेश तुम्हारी बात तुमसे रूठ जाए, विजयराज तुम्हारा साथ छोड़ दे, कोई दोस्त नहीं रही, ये तुम्हें मंजूर है? जवाब दो योगेश, जवाब दो। देखो, मंजिल या मकसद पाना जरूरी है, लेकिन मंजिल पाने के बाद वहां जाकर तुम्हें वीराने के सिवाय कुछ नजर नहीं आए तो मंजिल पाने का मतलब ही क्या?
तो फिर मैं क्या करूं नितिन? ये रख लो। ये क्या? इसमें प्रपोजल है प्रेस के लिए लोन उठाने का। सिक्योरिटी के लिए मैंने मेरी सारी प्रॉपर्टी रखी है और इसमें एक ब्लैंक चेक भी है जो इस वक्त तुम्हारे काम आएगा। लेकिन नितिन तुम देखो, अब तुम्हें डीएम की सफाई छापने की कोई जरूरत नहीं और ये सब तुम अपने दम पे कर रहे हो। मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं। देखो प्रजासत्ता को आजाद कराने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन नितिन डीएम से मदद ले सकते हो, मुझसे नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप? हाँ, तुमसे कुछ बातें करनी थी। आपको मुझसे क्या काम है? भाई यहां दरवाजे में खड़े खड़े तो मैं बात नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे अंदर तो आना ही पड़ेगा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। आइए। थैंक यू। देखो हवा, उस दिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उससे तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हारा इंसल्ट कर रहा हूं, लेकिन दरअसल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ सच्चाई कह रहा था। क्या आप यही कहने यहां आए हैं? नहीं, मुझे और भी कुछ बात करनी है। तुम एक अच्छी पत्रकार हो, तुम्हारे टैलेंट को मैं जानता हूं। देखो पर्सनली मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे आपसे शिकायत है। बस मैं यही जानना चाहता हूं, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? भाई देखो, मैंने तुम्हारा पर्सनली कभी इंसल्ट नहीं किया है, ना ही तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम्हें बुरा लगा क्योंकि तुम्हारे आर्टिकल की जगह उस दिन एड छपी। क्या ये पर्सनल इंसल्ट नहीं? नहीं आभा, वो तुम्हारी इंसल्ट नहीं थी, वो तो एक बिजनेस की बात थी। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच्चाई है, अखबार सचमुच इश्तेहार पर ही चलते हैं, मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, मगर तुमने उस बात को पर्सनल तौर पे ले लिया और इस्तीफा दे दिया। देखिए विलास जी, आप प्लीज पहले मेरी बात पूरी सुन लो। ठीक है। देखो आज तुम एक एडिटर हो, एक अखबार चला रही हो, अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि अखबार चलाने में क्या क्या मुसीबतें आती है। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। भाई सहकार के साथ मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरी बिजनेस पॉलिसी है, तुम्हें भी इस बात को बिजनेस के रूप में ही देखना चाहिए। विलास जी, मैं बिजनेस नहीं करती, मैं पत्रकार हूं। हाँ मैं मानता हूं तुम पत्रकार हो, एक बहुत बड़ी पत्रकार हो। अच्छा मेरी एक बात का जवाब दो, फर्ज करो कि एक जहाज डूब रहा है, उस जहाज पर जिंदा रहने की बचने की सारी सुविधाएं मौजूद है, फिर भी अगर उसका कप्तान उस जहाज के साथ डूब जाना पसंद करे तो ये कोई समझदारी की बात हुई ना? मैं तो ये कहता हूं कि उसे जिंदा रहना चाहिए। दुनिया में जिंदा रहने का मतलब है मरने का नहीं। जहाज के साथ डूबना ना डूबना कैप्टन की भावनाओं पर निर्भर करता है। भावना? भावनाओं का मजाक मत उड़ाइएगा। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी बात गलत नहीं है तो क्या मेरी बात सरासर गलत है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। गुड, मुझे तुमसे यही जवाब चाहिए था। देखो आभा, जिन उसूलों को लेकर तुमने प्रजासत्ताक छोड़ दिया था, आज उसी वजह से तुम सहकार छोड़ने को भी सोच रही हो। ये आप कैसे जानते हैं? मैं नहीं, सारे अखबार वाले जानते हैं।
भाई जो लोग दुनिया की खबर रखते हैं क्या वो अपने अंदर की खबर नहीं रखेंगे? एनीवे, मुद्दे की बात यह है कि प्रजासत्ताक में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ था वो छोड़ने के लिए तुम्हारे पास जो वजह थी, जो बातें थी, आइंदा अब वो नहीं होगी। तुम्हें पूरी आजादी दी जाएगी। आभा, तुम प्रजासत्ताक संभाल लो। क्या सोच रहे हो भैया? तो तुम्हारी तरक्की की बात है, इसमें सोचने की क्या बात है? अब दिक्कत ही क्या है, कोई हर्ज क्या है? मुझे सोचने का थोड़ा मौका दीजिए। तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए या दिक्कतें खड़ी करने के लिए? मतलब क्या होता है अब, अक्सर इंसान जब सोचने लगता है तो अपने आसपास दिक्कतों का एक जाल बुन लेता है, उसमें से वो छूट नहीं पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तुम्हारे सामने एक सुनहरा मौका है, सोचो मत, सिर्फ हाँ कह दो। मैं इंतजार करूंगा। गुड बाय। महेश्वर जी, मैं जानता हूं कि सब चाहते हैं। देखिए, मुझे प्रेस सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाऊंगा। महेश्वर जी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार देखेंगे। देखिए, जो काम करने को मेरा दिल नहीं मानता वो मैं कभी नहीं करता। ओके, बाय बाय। मे आई कम इन सर? अरे आभा, आओ 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 आओ, बैठो।
सर आपसे कुछ काम था मुझे। हाँ हाँ बोलो। सर आप सब जानते ही हैं। देखो आवाज जो कहने आई हो बेहिचक कहो। सर मैं दिशा भटक गई हूँ, आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। अब हम सब अपनी अपनी राहों में अपनी अपनी मंजिलों में दो चार कदम इधर उधर भटक गए हैं। सर ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, ऐसे वक्त में आपके ही पास आ सकती हूँ मैं। देखो तुम मुझे सर कहती हो और तुम्हें गाइड करना मेरा फर्ज है। बोलो क्या बात। सर मैं सहकार की नौकरी से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं जानता हूँ। सर मैं आपको इसकी वजह भी बताना चाहती हूँ। मैं वो भी जानता हूँ। सर ये बात आप किसी और के मुंह से सुने और मुझसे सुने इसमें बहुत फर्क है। कहो क्या कहना था। सर मैंने सिर्फ नौकरी करने के लिए या अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस वजह से मैं पत्रकार नहीं बनी। मैं इस पेशे को पेशा नहीं मानती हूँ, इसे मैं अपनी जिंदगी का मकसद मानती हूँ। मुझे अपनी किस्मत पे नाज है कि मैं पत्रकार बनी और मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। मैं अपनी किस्मत के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जुनून को समझता हूँ आगा। इस जुनून की कसम है मुझे सर। सर मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। अब तुम्हें किसी ने फोर्स तो नहीं किया है। किया है मुझे सर। मैं इतने सालों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ, मैंने अपने करियर को फलते फूलते यहाँ पर देखा है। मंथन मानसी योगेश जैसे साथी मिले हैं मुझे और वही पुराने दिन मुझे रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि आभा मत जा। आभा जिंदगी में जज्बात सब कुछ नहीं होते, मगर याद रखना जज्बात बहुत कुछ है। जी सर। सर कोई और होता तो इस्तीफा मुंह पे मार कर आती मैं। विलास राज जी को इस्तीफा देने में मुझे 1.5 मिनट भी नहीं लगा था, लेकिन योगेश। मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल की हालत। योगेश ऐसा कैसे कर सकता है सर। मैं जानता हूँ आवाज़ जो योगेश कर रहा है वो गलत कर रहा है, मैं जानता हूँ। योगेश कैसे डीएम से हाथ मिला सकता है और आप उसे रोकते क्यों नहीं। मैं योगेश को नहीं बख्शूंगा, ये मेरा वादा है। डीएम के साथ हमारी जो लड़ाई है वो अपनी जगह है, पर अगर योगेश ने डीएम की सफाई में कुछ छापा तो उसे मुझे जवाब देना होगा। मैं क्या करूं सर। सर मुझे रास्ता बताइए। अपने कर्तव्य का पालन करो, और इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सच्चाई से लड़ो। देखो मैं नहीं मानता कि तुमने योगेश को छोड़ दिया है, वो तुम्हारा दोस्त है। मैं जानता हूं कि आजकल योगेश गुमराह हो गया है, लेकिन अपनों को संभालना हमारा फर्ज बनता है। तुम सहकार के एडिटर हो, सहकार को संभालो। ठीक है सर, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। ऑल द बेस्ट।